तो स्वागत है आपका सुराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां पर डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दो घंटे से लगातार फायरिंग चल रही है। तोड़ा मरका के जंगल में मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है, साथ ही मौके से 12 बोर की बंदूक भी डीआरजी के जवानों ने बरामद की है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां पर डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। ये मुठभेड़ लगातार दो घंटे से चल रही है। फायरिंग तोड़ा मरका के जंगल में हो रही है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया है। एक सफलता डीआरजी के जवानों को मिली है। एक नक्सली को मार गिराया गया है। 12 बोर की बंदूक भी यहां से बरामद की गई है। साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल को रवाना कर दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, कब और कैसे हुई मुठभेड़? मैं आपको बता दूं, इस समय सुरक्षा बलों के द्वारा बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चारों तरफ कोबरा, डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवान निकले हुए हैं। कल भी नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक जवान शहीद और एक जवान घायल हुआ था। और आज भी टुंडा मरका के जंगलों में कोबरा और डीआरजी के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि एक नक्सली शव बरामद हुआ है, साथ ही एक भरमार बरामद हुआ है। जी शिवा, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, वो भी सुकमा से मिल रही है, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। 5 किलो का आईईडी बम बरामद हुआ है। सीआरपीएफ के जवानों ने इस बम को डिफ्यूज किया है। सड़क किनारे बम लगाकर रखा था। केरनापाल क्षेत्र के गोला बेकुर का यह पूरा मामला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवा यादव लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिवा, कितनी बड़ी सफलता कही जाए, 5 किलो के आईईडी बम को यहाँ डिफ्यूज किया गया है। जी मैं बता दूं, केरलापाल थाना क्षेत्र का गोला बेकुर, जहां पर सीआरपीएफ की सेकंड बटालियन सर्चिंग पे निकली हुई थी, तो सड़क के किनारे नक्सलियों ने एक 5 किलो का आईईडी बम लगा रखा था, जिसे वक्त रहते सुरक्षा बलों के द्वारा देखा गया और सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया गया। आपको बता दूं, नक्सली सुरक्षा बल को लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार की हरकत करते रहते हैं, आईईडी प्लांट करते हैं, जिससे सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। जी दर्शकों को मैं अपने बता दूं कि सबसे पहले एक तस्वीरें, एक खबर हम सुराज एक्सप्रेस के जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिवा, सूरत हाल अभी क्या है? अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी आपको बता दूं कि जंगलों में सुरक्षा बल अभी भी मौजूद है, और बताया जा रहा है कि रुक रुक कर नक्सली फायरिंग कर रहे हैं, जिसका सुरक्षा बलों के द्वारा भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और साथ ही एक नक्सली शव बरामद हुआ है। कहीं ना कहीं नक्सली जवानों का पीछा करके अपने साथी का शव लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और अभी भी रुक रुक कर कहीं ना कहीं नक्सली फायरिंग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवा जानकारी के लिए। तो तस्वीरें दर्शकों को सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, अगर ये बम की चपेट में अगर जवान हमारे आ जाते तो कितना बड़ा अनहोनी हो सकती थी, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इस बम के धमाके से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, 5 किलो का आईईडी बम सुरक्षा बलों ने यहां पर डिफ्यूज कर दिया, एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया गया। और अखबार इंदौर से है ना।